साइनेप्स हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में मिलता है उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। अच्छा, तो किस तरीके से न्यूरॉन के अंदर जो है मैसेज का पासिंग होता है, जैसे कि मान लो ये एक न्यूरॉन है, इस तरीके से दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं और जिस जगह पे दो न्यूरॉन मिलता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं, ये वाला रीजन को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। देखिए कल के क्लास के अंदर हम लोग एक्सेल पोटेंशियल को जनरेट करवा लिए थे, उसको कंडक्ट भी करवा लिए थे, लेकिन न्यूरॉन के थ्रू और दो न्यूरॉन के बीच में जो है जो नर्व इम्पल्स जो आपका आया था वो किस तरीके से क्रॉस क्रॉस करता है, इसी को हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है जो दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड रहता है, जिसमें से एक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल जुड़ा हुआ रहेगा दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट के साथ, इसी जगह ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। अच्छा, साइनेप्स ये पोर्शन को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स के पहले जो वाला न्यूरॉन है उसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को हम क्या बोल सकते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोल सकते हैं। और साइनेप्स के बाद जो न्यूरॉन आता है, सपोज अगर मैसेज इधर से क्रॉस कर रहा है, मैसेज का डायरेक्शन अगर इधर है, नर्व इम्पल्स का डायरेक्शन अगर इधर है तो इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो अगर आपका साइनेप्स हो गया जहां पे आपका दोनों न्यूरॉन मीट कर रहा है, तो साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे, और साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। तो ये हो गया प्री और पोस्ट। इसका मतलब साइनेप्स हम लोग बोल सकते हैं ऐसा जगह को जहां पे एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल मीट करेगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल मीट करेगा विद द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डेंड्राइट्स के साथ मीट करेगा, इस जगह को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं। अच्छा, देखिए ये जो फोटो बनाए हुए हैं इसी पोर्शन का हम जूम कर दिए हैं, ये जो फिगर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड रहता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहता है, इम्पल्स जो है इधर जनरेट करता है और इधर से इम्पल्स इधर क्रॉस करता है, सामने ऊपर वाले को बोलेंगे, पहले वाले को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, बाद वाले को बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसका एक्सोनल टर्मिनल कनेक्टेड रहता है इसके डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड रहता है। अच्छा, इसी पोर्शन को इसी रीजन को हम थोड़ा सा जूम कर दिए हैं और बहुत ज्यादा जूम करने के बाद यहां पे आपको बना दिए हैं, तो बताइए ये वाला जो रीजन है ना, इस पोर्शन को हम जूम किए हैं, ये वाला पोर्शन को इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनल टर्मिनल, ये रीजन क्या है, एक्सोनल टर्मिनल है। अच्छा, एक्सोनल टर्मिनल हो गया, जबकि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, है ना डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल मीट कर रहा है अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट के साथ मीट कर रहा है, इस मेम्ब्रेन को, इस वाले न्यूरॉन का मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और इस वाले न्यूरॉन का मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड तो नहीं, थोड़ा सा गैप जरूर दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है और इस गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, 200 से 300 एंगस्ट्रम इसका विड्थ होता है। अच्छा, देखिए इधर से मैसेज आ रहा था, मैसेज का डायरेक्शन इधर था मान लेते हैं, इधर से अगर मैसेज आ रहा है तो एक्शन पोटेंशियल जो है आपका आ रहा था, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सोनल टर्मिनल को रीच करेगा हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, मान लीजिए यहाँ कहीं पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, वो एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करते करते जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल एक्सोनल टर्मिनल के पास पहुंचेगा तो एक्सोनल टर्मिनल अभी कैसा हो जाएगा, डिपोलराइज हो जाएगा, होगा ना, एक्शन पोटेंशियल पहुंचना मतलब क्या, डिपोलराइजेशन हो जाना, डिपोलराइज्ड जैसे ही ये हो जाएगा इसका जो मेम्ब्रेन है यानी कि एक्सोनल टर्मिनल का जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की में बहुत सारा गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है फॉर कैल्शियम आयन, और ये जो गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाएगा जिसके वजह से बाहर का जो कैल्शियम आयन है वो बाहर से अंदर की तरफ रश करने लग जाएगा और अंदर में आपका कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, यहीं पर आप देखेंगे ना ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अदर सेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेसिकल को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं, और ये बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और उस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ना ये जो नर्व है ना, ये जो न्यूरॉन है, ये सिंथेसाइज करता है उसके अंदर एक केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो सिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर होता है। अच्छा, ये हो गया साइनेप्टिक वेसिकल के बाद, जैसे ही यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया, जिसके वजह से साइनेप्टिक वेसिकल के साथ आकर ये कैल्शियम आयन बाइंड करेगा और साइनेप्टिक वेसिकल को पुश करेगा जाकर के, बोलेगा तुम एकदम जाकर के साइनेप्स के पास जाओ और वहां पे जाकर के तुम ओपन अप हो जाओ। देखिए कैल्शियम आयन अंदर मूव कर गया, अंदर जैसे ही मूव करेगा ये कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएगा किसके
साथ, साइनेप्टिक वेसिकल के साथ, और ये साइनेप्टिक वेसिकल को बोलेगा कि तुम जाओ और एकदम मेम्ब्रेन का टर्मिनल पोर्शन के पास चले जाओ, और वहां पे जाने के बाद तुम ओपन अप हो जाओ। देखिए साइनेप्टिक वेसिकल को बोला, साइनेप्टिक वेसिकल यहां आ गया, यहां आने के बाद क्या हो गया, ये ओपन अप हो गया। और इस वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज कर दिया ये साइनेप्टिक वेसिकल। इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया गया इन दिस गैप, एंड दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इस न्यूरोट्रांसमीटर को फिर रिसीव करने के लिए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा रिसेप्टर। ये रिसेप्टर, ये सब स्ट्रक्चर को हम रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे ही ये रिसेप्टर जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लेगा, ये रिसेप्टर रिसीव कर लिया, अब इस रिसेप्टर का इस ये जो मेम्ब्रेन है इसका परमियबिलिटी के लिए वापस चेंज कर देगा, एंड दिस मेम्ब्रेन विल बी नाउ परमियबल टू सोडियम आयन। सोडियम की परमियबल हो जाएगा वापस से, जिसकी वजह से यहां पे भी क्या होने लग जाएगा, डीपोलराइजेशन होने लग जाएगा, फिर से जो है वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। वो एक्शन पोटेंशियल खाली आया इस एक्सोन को क्रॉस करता हुआ एक्सोनल टर्मिनल के पास, और वो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर कर दिया इस मेम्ब्रेन का परमियबिलिटी को, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया। बस इतना ही काम था, कैल्शियम जैसे ही मूव कर गया, ये जो है इस सिनेप्टिक वेसिकल के साथ बाइंड करेगा, इसको इधर पुश करेगा, ये आके यहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर अगला वाला न्यूरॉन के अंदर जो है परमेबिलिटी का चेंजेस करा देता है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है साइनेप्स के थ्रू, इसको आगे बढ़ता है। इसी जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, बोलिए जरा कौन-कौन सा। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्स का पहले जो है उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसके बाद वाला जो न्यूरॉन है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीज को मिला करके हम लोग बोल सकते हैं साइनेप्स। शेरिंगटन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जो है साइनेप्स वर्ड का कॉइन किए, फर्स्ट टाइम साइनेप्स वर्ड को यूज किए इस जंक्शन के लिए, चार्ल्स सेरिंगटन। लेकिन साइनेप्स का जो बात कर रहे थे कि दो न्यूरॉन आपस में जिस जगह पे मिल रहा है उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स बेसिकली जो है दो टाइप का हो सकता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरे को बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। जनरली अगर आपके आपके सामने अगर साइनेप्स का रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइनेप्सेस आर ऑफ केमिकल साइनेप्स टाइप, इसी टाइप का सब होता है। एक अगर नॉर्मली कॉमनली एक अगर साइनेप्स वर्ड बोला जाता है ना, तो साइनेप्स आप समझ जाए किसके बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल साइनेप्स के बारे में बात किया जाता है। बहुत रेयर होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, लेकिन होता है। दो टाइप का साइनेप्स प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरे को बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे करंट फ्लो का कांसेप्ट रहता है, करंट फ्लो की वजह से दो न्यूरॉन के बीच में मैसेज का ट्रांसमिशन होता है, इसलिए इस टाइप का साइनेप्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जबकि दूसरा वाला साइनेप्स में केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल साइनेप्स बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर ना दो न्यूरॉन आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगा, मान लीजिए ये न्यूरॉन है ना, दूसरा न्यूरॉन है, दोनों एकदम एक साथ इतना क्लोज जुड़ा हुआ रहेगा ना कि जो ट्रांसमिशन होगा नर्व इंपल्स का, जो मैसेज का जो ट्रांसमिशन होगा, आपको लगेगा ना कि एक सिंगल एक्सॉन से ही ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि दोनों न्यूरॉन इतना नजदीक में प्रेजेंट होगा, आपको लगेगा कि एक सिंगल एक्सॉन के थ्रू जो है ट्रांसमिशन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलते हैं, कोई गैप दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है, दोनों ही न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है आपस में फ्यूज्ड रहता है, कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता है, करंट का फ्लो की वजह से ये होता है, बहुत रैपिड ट्रांसफर होता है इसके अंदर। अच्छा देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर वेरी रेयर बहुत कम पाया जाता है, कुछ क्रस्टेशियंस वगैरह होता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत ज्यादा में पाया जाता है, क्योंकि उसे कोई डिफेंस करना रहता है अपना, ओशन में जो है बहुत सारे क्रस्टेशियंस जो है वो लोग का अटैक कभी भी वो लोग पे हो सकता है, तो तुरंत जो है अटैक से भागने के लिए वहां पर तुरंत चाहिए काम है या धीरे वाला चाहिए, तुरंत वाला चाहिए, तो जल्दी फास्ट काम करने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स उसके पास जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वेरी फास्ट होता है, जो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू वो बहुत फास्ट होता है, जो केमिकल के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत स्लो ट्रांसमिशन होता है। अच्छा इलेक्ट्रिकल में देखिए टू न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज, दोनों न्यूरॉन आपस में बहुत क्लोज रहते हैं, जबकि इसके अंदर अ गैप इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, हम लोग देखे हुए हैं इसके पहले। अच्छा इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर कोई भी केमिकल का यहाँ पे रोल नहीं होता है, जबकि केमिकल वाले के अंदर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है, एसिटाइलकोलिन वगैरह ये सब हम लोग जानते हैं, एसिटाइलकोलिन जानते हैं, ये सब का रोल होता है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। इस तरह का दो तरह का साइनेप्स प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स।